आज हम टेंथ साइंस में फिजिक्स का पार्ट देखेंगे, जो चैप्टर टेंथ है, प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट को हम डिफाइन करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों को संवेदित करके वस्तुओं को दिखाती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर आती है, यानी वस्तु से वापस होकर के हमारी आंखों पर आती है, तब जाकर के वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े और हमारी आंखों तक ना आए तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे इस समय प्रकाश है और अगर आप अपने हाथ को अपने आँख पर लगा लें तो हमारे शरीर पर प्रकाश पड़ने के बावजूद भी हम आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश वस्तु से टकरा करके नेत्र पर वापस जाता है। तो ये प्रकाश का एक बेसिक डिफिनेशन है। इससे आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात या किसी माध्यम में चल सकता है। अब हम देखेंगे प्रकाश की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश के जो फीचर्स होते हैं उसको हम देखेंगे। तो प्रकाश का जो फीचर होता है उसमें सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है हमारे पास कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है? अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो पीछे की भी वस्तुएं हमें दिखाई देती, परंतु उस प्रकाश के सीधा चलने के कारण वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर आता है और ऐसे सीधे निकल जाता है पीछे की वस्तु से आने वाला प्रकाश, इसलिए वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही हम हल्का सा इधर करते हैं तो उस वस्तु की थोड़ी सी झलक हमें प्रतीत होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं हमारी आँखों पर टकरा जाती हैं, उनका कुछ अंश हमारी आँखों पर टकराता है, इसलिए अंशतः दिखती हैं। और वहीं अगर हम पूरा मुड़ जाएँ तो हमें पूरा दिखने लगते हैं। दूसरी चीज कि अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में नहीं चलता तो हम छाता लेकर धूप में नहीं बच पाते, परंतु जिस डायरेक्शन में सन होता है उस डायरेक्शन में हम छाता लगा देते हैं और सन के धूप से हम बच जाते हैं। क्योंकि तभी बच पाते हैं क्योंकि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, वो टेढ़े मेढ़े रेखाओं में नहीं जा पाता। अगर टेढ़े मेढ़े रेखाओं में जाता तो वो हमारे शरीर पर जैसे तैसे आ ही जाता, पर वो सीधी रेखा में चलता है, इसलिए जिस डायरेक्शन से आता है उस डायरेक्शन में हम छाता लगाते हैं और हम धूप से बच जाते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है प्रकाश की जो सीधी रेखाओं में चलती है, और इसको कैसे हम समझेंगे इसे बताया गया। दूसरी प्रॉपर्टी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात आपको थोड़ा इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग एक वेव्स होता है। जैसे हम ये जो सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक आता है वो वेव्स ही है, और जैसे उष्मा अगर हम कहीं से भी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी कुछ हमें लाइट दिखाई देता है, तो वेव्स के फॉर्म में वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है प्रकाश की कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर हवा नहीं पाई जाती। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसा स्पेस है जहाँ पर कोई माध्यम के कण नहीं पाए जाते, और उसी स्थान को निर्वात कहा जाता है जहाँ पर माध्यम के कण नहीं पाए जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बावजूद उस निर्वात के भी पृथ्वी तक आ जाता है। इस बात से यह क्लियर हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर माध्यम के कण नहीं पाए जाते, अर्थात निर्वात है, और प्रकाश पृथ्वी पर आ ही जाता है। इट मीन्स कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है और माध्यम में तो प्रकाश चलता ही है। इसकी अगली प्रॉपर्टी हम जान सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जान सकते हैं प्रकाश के विषय में, कि प्रकाश वस्तुओं को तो दिखाता है पर वो खुद नहीं दिखता है। इसलिए प्रकाश का अपना कोई निजी कलर नहीं होता है, उसका खुद का कोई रंग नहीं होता है। वो जिस वस्तु पर पड़ता है उसी रंग का दिखा देता है उस वस्तु को। कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती हैं उसी रंग की दिखाई देती है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रकाश
वस्तुओं को तो दिखाता है परंतु खुद नहीं दिखता है। यह प्रकाश का भी बहुत प्रकाश का एक गुण है। आगे हम प्रकाश के सोर्स के विषय में जानेंगे। प्रकाश का सोर्स, तो सोर्स ऑफ लाइट कि किस किस तरह से प्रकाश में प्राप्त होता है, तो बेसिक वे में प्रकाश के मात्र दो ही स्रोत हैं। पहला है ल्यूमिनस जिसको आप दीप्त कहते हैं, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस जिसको अदीप्त कहते हैं। अब हम अलग अलग जानेंगे कि ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस कौन होते हैं। तो ल्यूमिनस उन्हें कहा जाता है जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं। जैसे में सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है इसलिए वो ल्यूमिनस है। कैंडल, मोमबत्ती आप जलाते हैं, मोमबत्ती भी खुद का प्रकाश जलकर उत्पन्न करता है इसलिए वो भी ल्यूमिनस है। जो चीज़ें जलकर या किसी भी तरह से खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश कहा जाता है, और इसका अपोजिट आप समझ सकते हैं नॉन ल्यूमिनस कि जिनका अपना निजी प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस। तो इसका एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल सन है, और अदीप्त में जो भी आप देख सकते हैं यूनिवर्सल वे में मून, चंद्रमा जो है अदीप्त माना जाता है क्योंकि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। दिन में उसका प्रकाश इसीलिए नहीं प्रतीत होता है क्योंकि उसका जो लाइट होता है सन की लाइट की तुलना में बहुत वीक होता है, उसमें जो तीव्रता होती है इसलिए वो दिन में उसका प्रकाश नहीं प्रतीत होता। नॉन ल्यूमिनस में आप टेबल, दीवार, जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सब नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक उन पर प्रकाश नहीं पड़ता है वे ना तो दिखाई देते हैं और ना ही चमकते हैं। तो ये है दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत। आइए अब हम जानेंगे प्रकाश का एक सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा गुण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम जाने कि परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है रिटर्न होना, लौट आना या वापस आना। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो वह अपने ही माध्यम में पुनः वापस लौट आता है। प्रकाश का किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि किसी भी शीशे पर या पॉलिशदार तल पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगता है। उस वस्तु की जो चमक है वो उसके परावर्तन के कारण है। आप देखिए होंगे पॉलीथीन चमकता है, या धूल भी है उस पर प्रकाश पड़े तो वो चमकेगा, वहीं अगर बारिश हो जाए तो वो चमक समाप्त हो जाती है। तो जब परावर्तन होता है प्रकाश का तो चमक उत्पन्न होती है। तो जहाँ भी चमक उत्पन्न होती है वो तभी होती है जब प्रकाश का वहाँ परावर्तन होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो कोई वस्तु चमक नहीं सकती है। किसी भी केस में जब चमक उत्पन्न हो तो हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मान सकते हैं। इसको हम इसको कैसे समझेंगे, इस फिगर के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल कहते हैं इसको। ये पॉलिश किया हुआ है, इसको पॉलिश किया हुआ समझा जाता है, और इस पर जब लाइट रे आपतित होती है किसी बिंदु पर तो इस पर आपतित होने के बाद वो उसी माध्यम में पुनः रिटर्न हो जाती है। तो जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात क्या है
कि जितने एंगल से, यानी ये जो दिख रहा है आपतन बिंदु कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु पर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लंब खींचा जाता है उसको नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। और प्रकाश के केस में जितने भी कोण होते हैं वो सब अभिलंब से मापे जाते हैं। जितने कोण पर प्रकाश आपतित होता है आपतन बिंदु पर, उतने ही कोण से प्रकाश परावर्तित भी होता है। ये अपवर्तन का नियम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे हम ऐसे लिखते हैं I = R। इट मीन्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसे हम परावर्तन का पहला नियम भी कहते हैं। तो आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण पर परावर्तित भी हो जाता है। और इस बात को अपवर्तन का द्वितीय नियम कहा जाता है, सॉरी परावर्तन का द्वितीय नियम कहा जाता है। और उस परावर्तन का जो प्रथम नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यहाँ जिस तल की बात की जा रही है वो कागज का तल है। तो आपने देखा परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन का नियम, इस परावर्तन के नियम के बारे में बता देता हूं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ कागज के तल को बताया गया है। और जो दूसरा नियम होता है, आप यहाँ परावर्तन की, परावर्तन की घटना में आप आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसका मतलब जितने कोण से प्रकाश आपतित होता, यहाँ प्रकाश किरण आपतित होती है, उतने ही कोण से परावर्तित भी हो जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।